अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, शहर हैदराबाद में तालाबों को भी कब्जा किया जा रहा है और वहां पर वेंचर किया जा रहा है, प्लॉटिंग की जा रही है, इसके बाद ये लोगों को बेचा जाएगा, जबकि तालाबों में कोई कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त नहीं रहती। अगर बनता भी है तो भी लोगों के लिए नुकसान है, अगर कोई ख़रीदता है तो देख के ख़रीदे, क्योंकि जिस तरह से उस्मान नगर का हाल हुआ है इससे बदतर होगा, क्योंकि कुछ लोग मूसापेट कुकटपल्ली के तालाबों के करीब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वेंचर बना रहे हैं, उसके तस्वीर लेके केटीआर को ट्वीट किया, और इसी तरह से मीरालम तालाब में भी कब्जे हो रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर भी काम चल रहा है और इसी की भी तला दी जाएगी। और केटीआर ने ये ट्वीट के बदले ट्वीट किया और कहा कि अच्छा हुआ आपने हमारी नोटिस में डाला और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यकीनन अगर केटीआर सीरियस है तो फौरन इस तरह के चीज़ों पर कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरह से तालाबों को कब्जा किया जा रहा है, तालाबों में इमारतें बनाई जा रही है, आने वाले वक्त में इसके नतायज भयानक हो सकते हैं। ईदगाह मीरालम ईदगाह को भी कब्जा किया जा रहा है, तकरीबन कब्रस्तानों को भी कब्जा किया गया है, अब तालाबों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, कौन है इसके ज़िम्मेदार? यहाँ पर ज़रूरी है कि इस पर तवज्जो दें, क्योंकि जो बहादुरपुरा मंडल है वो भी पूरी तरह से इनके ही साथ है, करप्शन में मुब्तला है। बहरहाल केटीआर को ट्वीट किया गया कि किस तरह से तालाबों को कब्जा किया जा रहा है, ज़रूरी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और ये कामों को रोकें। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मूसापेट कुकटपल्ली मीरालम तालाब में कब्जे हो रहे हैं, इसको रोका जाए, और केटीआर ने तो वादा किया, अब देखना है कि कितने टाइम में और कितना जल्दी ये काम करेंगे। और जो आवाम की मसला था, जो आवाम को आने वाली जो परेशानी है, वो परेशानी से क्या केटीआर नजात दिलाएंगे, या फिर उनके सामने बड़े बड़े रसूखात रखने वाले लोग पॉलिटिशियन सामने खड़े होंगे, फिर ये मसला थम जाएगा, ये देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से मंडल बहादुरपुरा की जानिब से भी नोटिस दी गई थी, लेकिन वो नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया, लगातार काम किया जा रहा है, पूरी तरह से इसको कब्जा किया जा रहा है, बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है, इसे फौरन रोकने की ज़रूरत है। और जो भी लोग अगर इस तरह से यहाँ पर ख़रीदने की कोई सोच रहे हैं, तो ऐसे जगहों पर खरीदे मत, आने वाले वक्त में ये सारे के सारे चीज़ें टूटेंगे, क्योंकि लगातार अब ये चीज़ का मसला आप केटीआर की नोटिस में आ चुका है। और जिस तरह से कुकटपल्ली मूसापेट का मसले पर उन्होंने तवक्को दिलाया कि फ़ौरन काम करेंगे, वैसे ही मीरालम तालाब का भी बहुत जल्द ऐसे ही काम करेंगे।